सुरील पुलिस ने बुधवार की शाम स्थानीय व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस से उनकी सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ निजी सुरक्षा गार्ड रखने की भी बात कही। बैठक को संबोधित करते हुए कोतवाली इंचार्ज संजीव चौधरी ने बताया कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त करती है। उन्होंने हर व्यापारी को दुकान के आसपास सीसीटीवी लगवाने को कहा। व्यापारियों ने पुलिस से मांग की। पुलिस ने व्यापारियों से कहा कि वो रात के समय दुकान के बाहर की लाइट जलाकर जाएं। अगर हो सके तो व्यापारी ग्रुप में निजी सुरक्षा कर्मियों को भी रख सकते हैं। कस्बा सूरी, टेटी गांव, कराहरी, मीरपुर, बेरा जरारा, हरनौल आदि के गांव से व्यापारी वर्ग के लोग कोतवाली में पहुंचे और अपने आसपास की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसके समाधान का संजीव चौधरी ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारी मदद करें, हम आप लोगों की मदद करने को तत्पर हैं। इस मौके पर व्यापारी बिहारी ठाकुर, मनोज ठाकुर, दीपा वाश ने, दयानंद स्वामी, कोकी सेठ, ब्रह्मानंद आदि मौजूद रहे। सर, मेरा नाम शरद वाशने, रहने वाला हूँ जी। किस बात को लेकर यहाँ पर मीटिंग हुई थी? जी, यहाँ पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मीटिंग रखी गई है। हमारे नए इंचार्ज सुधीर चौधरी जी, संजीव चौधरी जी आए हुए हैं, एसोसिएशन नए आए हुए हैं, और उन्होंने यहाँ पर मीटिंग रखी है और व्यापारियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है और कुछ जानकारी भी दी है व्यापारियों के लिए, सीसीटीवी और कुछ और समस्याएं हैं और गुंडागर्दी जो अड्डे पर होती है उसके बारे में आश्वासन दिया गया और कुछ जानकारी भी दी गई है व्यापारियों के लिए और सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है हमारे। क्या नाम है आपका? हमारी बात सुनिए, ब्रह्मानंद वाशने, कहाँ के रहने वाले हो? सुरीर बिजू जी। किस बात को लेकर यहाँ आप मीटिंग हुई थी? थाना सुरीर SHO जो नए आए हैं हमारे, उन्होंने हमको बुलाया था। उन्होंने हमारे व्यापार मंडल में जो कुछ समस्याएं हैं उनको लेके कुछ बातें की और उन्होंने जो समस्याएं या कुछ अपद्रवी या जो लोग होते हैं उनके लिए उन्होंने पूछा। और हमारे जो इस समय जो SHO हैं बहुत सराहनीय, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनको लेके काफ़ी बातें हुई। उन्होंने सारी बातों के लिए हमसे ये भी बोला कि अगर कोई समस्या आए तो हमसे डायरेक्ट आके संपर्क करें। हम जो समस्याएं हमने उनको बताया भी और उन्होंने कुछ समस्याओं के लिए हमको तुरंत बुलाया कि अभी हम उसको देखते हैं। और उन्होंने हमारे लिए बहुत सराहनीय बात की है, बहुत अच्छी समस्या का समाधान भी किया है और बाकी समस्या का। और क्या है, सब लोग खुश हैं इस समय SHO साहब से, बहुत अच्छे हैं। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मंच न्यूज को और बेल आइकन दबाएं।